सब्सक्राइब करें बेसिक एजुकेशन को और बेल आइकॉन दबाएं मजीद अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अर्थ पे प्लांट्स की हजारों नोन स्पीशीज हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे प्लांट्स की लगभग 500,000 स्पीशीज होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी बहुत से स्पीशीज ऐसे भी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि प्लांट्स की 5% से 20% स्पीशीज के विलुप्त होने का खतरा है। प्लांट्स की स्टडी करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट लिया जाए। ग्रुप्स बनाने के लिए इस प्रोसेस को प्लांट क्लासिफिकेशन कहते हैं। प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा उनमें काफी डिफरेंस होता है। इन डिफरेंसेस की मदद से हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी एक ग्रुप के प्लांट्स के लिए बहुत कम अंतर होता है, जबकि किन्हीं दो ग्रुप के प्लांट्स के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, ह्यूमंस और मैमल्स के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जबकि ह्यूमंस और एप्स के बीच डिफरेंसेस बहुत कम होता है। तो प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है? प्लांट्स को जनरली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला, सीड्स यानी बीज वाले प्लांट्स, और सीडलेस प्लांट्स। फर्न्स और मॉसेस जैसे प्लांट्स को उगाने के लिए सीड्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये स्पोर्स यानी बीजाणुओं से उगते हैं। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नए प्लांट्स राइजोम्स या ट्यूबर्स से ग्रो करते हैं। सीड्स का एवोल्यूशन प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप था। सीड्स की मदद से प्लांट्स को अर्थ पे कहीं भी किसी भी एनवायरमेंट में उगाया जा सकता है। सीड प्लांट्स को फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में स्प्लिट किया गया है। इनके साइंटिफिक नाम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं। इनके नाम से ही पता चलता है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, साथ ही इनका रिप्रोडक्शन एक्सपोज्ड सीड्स के जरिए होता है। जिम्नोस्पर्म्स यानी नेकेड सीड कोनिफर्स और पाइन ट्रीज नेकेड सीड के एग्जाम्पल हैं। इनमें फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स नुकीली पत्तियों वाले एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जो जनरली ड्राई प्लेसेस पे पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ये प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा और विविधता से भरा हुआ ग्रुप है। एंजियोस्पर्म्स को आगे दो पार्ट्स मोनोकोटिलीडंस और डाइकोटिलीडंस में स्प्लिट किया गया है। रूट्स स्टेम्स लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स और सीड्स इन ग्रुप के मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। मोनोकॉट ट्रीज में पैरेलल वेन्स और पेटल्स के बीच ग्रुप होते हैं, जबकि डाइकॉट ट्रीज में नेट लाइक वेन्स और पेटल्स के चार या पांच ग्रुप होते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट ट्रीज में दूसरे डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ग्रास और मेज मोनोकॉट, जबकि ट्रीज सनफ्लावर्स और रोजेस डाइकॉट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस वीडियो में हमने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के कुछ मेथड्स के बारे में जाना।